साथियों एक ऐसी मशीन दिखा रहा हूं आपको जो मशीन एक है पर काम अनेक है। साथियों इस मशीन को लगाने के बाद मैं गारंटी बताता हूं कि 30,000 रुपया महीना कमा सकते हैं साथियों कम से कम, और जहां रहते हो वहीं जी बिजनेस शुरू कर सकते हैं साथियों। इतनी अच्छी क्वालिटी की मशीन दिखा रहा हूं मैं आपको जिसकी गारंटी भी 1 साल है, चाहे मशीन हो चाहे मोटर हो इसका। साथियों आइए देखते हैं कि ये कौन सा बिजनेस आइडिया है और आप कैसे कर सकते हैं इसको जहां रहते हो। हमेशा लेके जाइए और चेक कर लीजिए कहीं पे भी, आपको देखिएगा कहीं स्टेनलेस स्टील का पूरा बीटर मिलता है कि नहीं। देखना साथियों बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गेहूँ कैसे डाला जाता है और मशीन कैसे काम करता है और कितनी आसानी से काम करता है। सर ये मशीन इसमें डाल दे। हाँ डाल दीजिए इसमें इस गेहूँ को। हाँ बहुत बढ़िया। और मैं बताता हूँ कैसे चालू करना है किसी को भी। बिल्कुल आज मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि हमारे साथियों को कितनी दिक्कत होती है इसको चलाने में। आपकी सोच मेरी खोज जारी है साथियों। आप जानते हैं कि मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आता हूँ। आज इसी तलाश में साथियों बनारस से पटना चल के आ चुका हूँ कि आपको एक नया बिजनेस आइडिया दे पाऊँ, दिखा पाऊँ कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। साथियों आज मैं जानकारी लेंगे ए से लेकर जेड तक कि आप अपना बिजनेस शुरू कैसे कर सकते हैं, कितने पैसे लगा के, और ये बिजनेस कहाँ चलने वाला है। साथियों आइए साथियों सर से मिलते और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। अपना एड्रेस और अपना नाम और अपने फैक्ट्री का नाम बता। मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मेरा मैक्स इंटरप्राइजेज है, मैं पटना मीठापुर बस स्टैंड के पास रामकृष्ण नगर है, SBI बैंक के पीछे मेरा ऑफिस है, गोदाम है सर। अच्छा अच्छा। अब मेरे साथियों को बताया कि सर कौन सा बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं आज। मैं आटा चक्की के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम पल्वराइजर है, और ये हर मोहल्ला के अंदर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ भी आप खोज लीजिएगा, जिस एरिया, जिस स्टेट, जिस जिला, जिस कस्बा, जिस गांव, आपको ये आटा चक्की मशीन मिलेगा। जो पहले आटा चक्की मशीन था उस पत्थर वाली में, उसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता था, बहुत लोग परेशान हो जाते थे, सुबह जाते थे शाम में वो पूरा भूत बन के आते थे शाम में। ठीक है, अब ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये लोकल नहीं है, ये पूरी ब्रांडेड है जिसका नाम सरल सावालिया है। 40 साल हो गई है कंपनी को। ठीक है, लोकल मशीन कुछ भी नहीं है मेरे पास, जो स्पष्ट है मेरे पास मशीन का आपको डिटेल्स हम धीरे धीरे करके बताते हैं। अच्छा, जैसे ये 5 HP मशीन है जी, इस तरफ देखिएगा ये 10 HP है। ठीक अच्छा। है, मैं एक एक करके सबका डिटेल्स बताता हूँ। सर ये जो 5 HP की है आपकी मशीन, इससे कितना प्रोडक्शन निकलेगा? देखिए सर, 5 HP का मशीन का प्रोडक्शन मेरा 50 किलो का प्रोडक्शन है एक घंटे में 50 किलो प्रोडक्शन देगा, और 1 घंटे में ये 3.5 यूनिट बिजली बिल उठेगा इस मशीन। केवल साढ़े तीन यूनिट। अरे वाह। इस मशीन से आपको बताते हैं क्यों डिफरेंट है औरों से मशीन जी। जो मेरा मशीन है चाहे 3 HP का हो, 5 HP का हो, 7.5 HP का हो, 10 HP का हो, सभी मशीन क्रैंक मॉडल है। क्रैंक मॉडल क्या होता है कि मोटर से शाफ्ट को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है। अच्छा, मोटर को शाफ्ट से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया, और जिससे कि इसकी एफिशिएंसी जो दूसरे पल्वराइजर है उससे ज्यादा है। दूसरे पल्वराइजर का मतलब है जो बेल्ट पुल्ली से चल रहे हैं, जिसमें बैरिंग लगा हुआ है, उसमें रोज मोबिल डालिए, ये सब करिए, नीचे मोटर लगाइए, उसमें भी पत्थर नहीं होता है। अच्छा। लेकिन उससे ये ज्यादा एफिशिएंसी है क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है। इस मशीन में आपका जो चेंबर होता है वो चेंबर मेरे एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। सारे जो दूसरी बात, जो मेरा शाफ्ट होता है, ठीक है, ये शाफ्ट भी स्टेनलेस स्टील का है। अच्छा। किस चीज का है? स्टेनलेस स्टील का। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ, एक पीछे से लाइएगा बीटर। ये देखिए। अच्छा, ये इसमें लगा हुआ है। ये इसमें लगा हुआ है, मैं इसके बाहर से, मेरे यहाँ टोटल पार्ट पुर्जा एनी टाइम अवेलेबल मिलता है। अब देखिए ये लगा हुआ है, देखिए ये गिर गया मैग्नेट्स नहीं, ये देखिए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ये जैसे मैं लगाया हूँ, इसमें देखिए सट गया, ये मैग्नेट है जो मेरा, ये पकड़िए सर, ये रख दीजिए, भारी होगा। अच्छा नहीं, एक बार लगाइए जरा, ये लगाइए। हाँ देखना साथियों, देखो गिर गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी बात, जो मेरा ये चेंबर है जी जी, ठीक है, ये एल्युमिनियम का होता है, बहुत सारे लोग ढलैया कर देते हैं। जब लोहा अंदर से गर्म होगा, जब ये रोटेट होता है जी तो जी, ये हीट प्रोड्यूस करेगा, तो लोहा का जो अंदर से जो लोहा का बनाते हैं चेंबर, उसमें आकार बदलने की 100% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा। बट आप देखिएगा प्रेशर कुकर, कभी आप प्रेशर कुकर को देखे कि लोहा का या स्टील का बना हुआ, कभी नहीं देखे होंगे। नहीं क्यों? क्योंकि वो उसका प्रेशर झेल नहीं पाएगा। अच्छा, ठीक है, मेरी जितनी भी मशीन है सभी डबल चेंबर मशीन है। ठीक है। अच्छा। आगे में 6 शाफ्टिंग है, 6 बीटर है, और पीछे का जो शाफ्ट है वो 4 होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा। इसमें हम आपको मशीन के साथ 8 जालियां देते हैं। ठीक है, 5 भी देते हैं। हाँ, 8 जालियां देते हैं, वो जालियां दिखाता हूँ मैं। एक आपको पैनल हो गया, ठीक है,
आपको दो कपड़े हो गए, ठीक है, चार गुटका होता है वाइब्रेशन के लिए, ठीक है, और एक ब्रश देता हूँ जब आपका माल निकालने का होता है तो इससे ब्रश से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 5 HP के बाद पूरा कंप्लीट देते हैं, कंप्लीट सेट है। जो 10 HP का मशीन है इसका एक बार रेट भी बता दीजिए। इसका रेट आपका 46,500 रुपये है। 46,500 ओनली ओनली। अच्छा एक बात और जानना चाहूंगा सर, मान लीजिए कोई बंदा एकदम नया हो, हाँ, और वो काम करना चाह रहा हो, तो उसको कुछ इसमें सेट भी करने की जरूरत है कि बस ये ले जाएगा प्लग लगाएगा शुरू हो जाएगा? बस ये जाएगा प्लग लगाएगा और ये चालू हो जाना, जैसे मैं अभी लास्ट में आपको डेमो करके दिखाऊंगा सब चीज का। अच्छा, ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। और मैं आगे चलता हूँ, आपको मेरे पास और कौन कौन से पल्वलाइजर है वो दिखाता हूँ मैं। बिल्कुल, ठीक है। अब कई HP का दिखाने वाले हैं सर? ये है 10 HP का। अच्छा ये 10 HP का है? ये 10 HP का है। इसका चेंबर का साइज सर मेरे साथियों को जरा, इसका चेंबर का साइज है 15x8, लेकिन अच्छा। हम बताते हैं 14x8 होता है, हम एग्जैक्ट नाप के दिखाएंगे तो 15 ही आएगा। अच्छा, 14x8 होगा, पीछे 6x6 का होता है, ठीक है। इसमें ये भी वही मोटर देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड है शाफ्ट से, ऐसा बहुत कम लोग बनाते हैं, ओनली ब्रांडेड ही कंपनी बनाती है। इसमें आपको साथ में 11 जाली मिलेगा, अच्छा, एक पैनल मिलेगा, ठीक है, इसका पैनल बड़ा है, पैनल बड़ा है इसका, ठीक है। ये 3-phase कनेक्शन है, तीन गरम का और एक ये हरे वाला ठंडा का। अच्छा, इसके साथ एक आपको दो कपड़े मिलेंगे, ठीक है। ये कपड़ा क्यों दिया जा रहा है? ये कपड़ा इसलिए कि नीचे में इससे माल निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, ये ठीक, ठीक। इसका माने ये पूरा कंप्लीट सेट दे रहा है, कंप्लीट सेट दे रहा। और इसमें पकड़िएगा आपको एक सी चीज है, जी जी जी, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हवा ज्यादा निकलता है, ये होता है, उसके लिए अलग से एक ऊपर कपड़ा लगाकर इसमें आप ब्लोअर टाइप का आप ये लगा दीजिएगा। अच्छा, ये भी दिया हुआ इसमें? ये भी दिया होता है, जिससे कि आपका कोई भी हवा हुआ कुछ भी बाहर ज्यादा नहीं निकलता। बहुत बढ़िया, देखना साथियों, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज सर बता रहे हो, पूरा कंप्लीट सेटअप दे रहे हैं आपको। प्लस दूसरी बात है, मेरे पास आपको इसके इसमें मसाला भी पीस सकते हैं, जैसे मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, गोलकी, जीरा, ठीक है, धनिया, ठीक है, मतलब आटा के साथ ये भी काम करेगा? ये भी काम करेगा, पक्का? पक्का 100%। अरे गजब, बहुत बढ़िया, देखना साथियों मशीन एक पर काम अनेक दिखाने वाला हूँ आपको। अच्छा सर, इसकी क्या कीमत होने वाली है? इसकी कीमत है 91,000, 91,000, 91,000 इसकी। प्लस दूसरी बात, इसमें देखिए मसाला के लिए ये आपका सामने से हॉपर एक स्टेनलेस स्टील का देता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ से आप धीरे धीरे करके मसाला डालिए और ये माल गया। ये है लोड का सिस्टम। अच्छा। जैसे जैसे आप मशीन में लोड बढ़ाइएगा वैसे वैसे ये मशीन काम करेगा। अच्छा, ठीक है। और ये लोड हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो एनालॉग मीटर है, हाँ, ये जो कलर है ब्लैक कलर का जो काटा है, लाल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये लाल के ऊपर क्यों जाता है? ये लाल के ऊपर तब जाता है जब ओवरलोड होता है, मतलब कि आपको खाने का 2 रोटी आप जबरदस्ती 4 रोटी दीजिएगा तो ओवरलोड हो जाता है। अच्छा सर, इसका क्या है घंटे का प्रोडक्शन? इसका घंटे का प्रोडक्शन है 90 से 100 किलो। 90 से 100 किलो एक घंटे में प्रोडक्शन है, एक घंटे में? हाँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटी मशीन इससे भी, और 3 HP का डोमेस्टिक भी दिखाता हूँ। आइए चलते हैं, मैं 10 HP का ब्लूअर मशीन भी दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, आइए साथियों चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये 10 HP का ब्लूअर टाइप है, मतलब कि इसमें क्या होगा, जब 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 ये प्रोडक्शन होगा गेहूं का, हाँ, तो यहाँ से ब्लोअर से डायरेक्ट कनेक्टेड होकर यहाँ पे पूरा, अच्छा, निकलेगा, जिससे कि कोई भी बीच में जैसे पैकेजिंग करना है, जिनको डायरेक्ट पैकेजिंग करना है, जी जी, वो आटा गरम को ठंडा करता है। साइक्लोन, अच्छा, ब्लोअर लगा होता है नीचे 1/2 HP के मोटर के साथ, अच्छा, ठीक है। इसमें भी वही फंक्शन है, साथ में 11 जाली मिलेगा, पैनल मिलेगा, 2 कपड़े मिलेंगे और पूरा कंप्लीट सेट होगा। ये भी 10 HP का है? 10 HP का है। इसका रेट है 1,21,000 रुपये। 1,21,000, हाँ। सर उससे इसका रेट ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें साइक्लोन ब्लोअर लगा हुआ है। अच्छा। मतलब जिनको पैकेजिंग करना है, जैसे कि आप ब्रांडेड आइटम देखे होंगे किसी भी तरह का, पतंजलि आशीर्वाद मसाला वसाला भी पैक करना, सब चीज पैक करने के लिए, इसीलिए वो ठंडा करके माल निकालता है। अच्छा अच्छा, ये पैकिंग नहीं करता, ये माल को ठंडा करके निकालता है, ठीक है। आगे आइए आप फिर से, मतलब आप अपने नाम जो कोई ब्रांड बना के ठंडा करके उसको पैकिंग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये है स्टेनलेस स्टील का, अच्छा, जिनका चेंबर वगैरह सब चीज जो आगे का पार्ट्स है, ये जी, जी, ये पूरा, ये पूरा स्टेनलेस स्टील का है। बट मेरा जो ये है इसका जो इसका चेंबर, जी जी, वो अल्मोनियम का ही है। अच्छा, ऐसा ये भी नहीं कि ये आपको स्टेनलेस स्टील का बना के दिया जा रहा, अच्छा, अच्छा, है तो अल्मोनियम ही, बस ऊपर से इसका कोटिंग किया गया है। जो बात है स्पष्ट रूप से मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। इसका क्या प्रोडक्शन है सर? इसका प्रोडक्शन ये 3 HP का 35 किलो का प्रोडक्शन है। 35 किलो का, इसका क्या रेट है? इसका रेट है 46,500 3 HP का। अच्छा, 3 HP का 46,500। इसकी क्या कोई गारंटी वारंटी भी देते? 1 साल का रिप्लेसमेंट गारंटी है जाली छोड़कर, मैंने कुछ भी यदि प्रॉब्लम होगा
मैं उस सामान को पार्ट्स को बदल के नया दूंगा। ये हम नहीं, एक साल की गारंटी, एक साल के, ये हम नहीं, मेरी सरल सवाल है, जो कंपनी है वो डायरेक्ट देती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत। और आप आगे फिर आइए, ये डोमेस्टिक है जी जी, इधर आइए, जिनको अपने घर के लिए यूज के लिए चाहिए, ये डोमेस्टिक टाइप का है। इसमें दिखाना है तो बड़ा खूबसूरत है, डोमेस्टिक में इसमें आप आराम से ये भी कर सकते हैं। इसमें ये कई एचपी का है, ये है 1 HP का, 1 HP का, 1 HP का। अच्छा, घर में आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं आराम से। इसका क्या प्रोडक्शन होगा? ये इसका प्रोडक्शन 7 से 8 किलो प्रोडक्शन आएगा आपको 2 नंबर जाने में। हाँ, बहुत जिनको घर में अपना है, जिसको घर में लगाना हो अपना खुद का, वो लगा के चला सकते हैं। एक है मेरे पास मसाला। इसकी कीमत सर? इसकी कीमत 18,000 रुपए। 18,000 केवल? केवल। इसकी भी गारंटी 1 साल की? इसकी भी 1 साल की। अरे वाह, बहुत बढ़िया। फिर एक मेरे पास मसाला पल्वराइजर है। अच्छा अच्छा, वो भी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये मसाला पल्वराइजर है, सिर्फ ओनली मसाला पीसेगा, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, ठीक है, हैम्बर, ये हो गया पत्ती वाला। अच्छा। ठीक है, इसमें साइक्लोन ब्लोअर लगा हुआ रहेगा और डायरेक्ट माल निकालेगा। इसका क्या काम होता है? ये इसका ये जैसे ये जब रोटेट करता है, हाँ, जब इससे तो हल्दी वगैरह मिर्च वगैरह कूट कर यहाँ से ब्लोअर लगा के यहाँ से निकलेगा। अच्छा, अच्छा। इसका क्या नाम है मशीन का? इसका मसाला ब्लोअर मशीन होता है। मसाला, अरे मसाला के लिए स्पेशल है, मसाला के लिए स्पेशल। इसमें गेहूं वगैरह कुछ नहीं होता साथियों, गेहूं के लिए नहीं, ये केवल स्पेशल मसाला के लिए सर दे रहे हैं। सर इसकी क्या प्रोडक्शन है? 50 किलो, 5 HP। 5 HP का है ये? अच्छा, इसकी कीमत क्या होगी सर? 47,000। और सर मान लीजिए कोई बंदा सिर्फ मसाला का ही काम करना चाहता हो, आराम से ले जा सकता है, ले जा सकता ना। यहाँ पे मशीन इजीली अवेलेबल है, एनी टाइम जब चाहिए मशीन एनी क्वांटिटी में लेके जा सकते। कोई बात नहीं सर, मैं ये बात मानता हूँ कि मशीन तो बहुत बेचते हैं और लोग बेच देते हैं मशीन, बेचने वाले भी बहुत है। बाकी क्या होता है, मशीन बेचने के बाद लोग को पार्ट में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको पार्ट्स का एक एक चीज का, जितना जो मशीन है मेरे पास बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है, मैं आपको अभी लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा, देखिए मेरे पास क्वांटिटी कितना मिल जाएगा, वो भी पार्ट्स है। प्लस दूसरी बात आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, आप यदि आज मशीन लेके गए, लोकल कंपनी जो होता है आज उससे तो मशीन खरीद लीजिएगा 2 रुपये सस्ता में, आप सामान क्वालिटी कम करके, लेकिन कल के डेट में आपको जाली, उसका कोई बीटर या उसका कोई अंदर का चैम्बर या कुछ भी चेंज करने का है, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। बट मेरी कंपनी आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जो मोटर लगा है, जो मोटर लगा वो भी इसी कंपनी का है। हाँ, जो 20 साल बाद भी यदि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी होगा वो मेरे यहाँ इजिली अवेलेबल होगा, हाथों हाथ मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। देखना साथियों, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको मेरा पर्पस दिखाना, ये मायने नहीं कि मशीन दिखा देना, मेरा पर्पस होता है मशीन लेने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे फेस करना पड़ता है, उसके पार्ट कहाँ मिलेंगे, उसके आइटम कहाँ मिल सकते हैं, तो सर क्या सब कुछ अवेलेबल है, ये बड़ी अच्छी बात है। सर एक बात और जानना चाहूँगा, जो इसका मोटर लगा हुआ है वो कितने HP का? ये 3 HP का है, बट हम 5 HP का भी मेरा है गोदाम में, आप देख सकते हो, वहाँ भी दिखा दूंगा मैं। इसकी क्या गारंटी होगी? 1 साल। 1 साल की गारंटी है। और मशीन की? 1 साल। मशीन की भी 1 साल की गारंटी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस मशीन में सर कुछ भी अलग से नहीं करना है, कुछ भी लोग ले जाएंगे, प्लग लगाएंगे और काम शुरू करेंगे, चालू हो जाएगा, यही है ना? यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको पार्ट्स पुर्जा का भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे एक बार दिखाइए जरा। देखिए, जैसे आपको जाली का जरूरत होगा जी, तो मैं तरह एनी टाइम मेरे यहाँ हर एक तरह का नंबर जाली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कपड़ा जिसी को घट गया तो हाथों हाथ, जैसे कपड़ा बहुत दिन में खराब हो जाता है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का कपड़ा होता है, ये आपको मिल जाएगा। ब्रश हो गया, ब्रश मिल जाएगा। आगे का हम मान लीजिए ढक्कन हो गया, ढक्कन मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना साथियों, ए से लेकर जेड तक पूरा सामान मिल जाएगा। कभी कभी ये ढीला हो जाता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको एनी टाइम मेरे यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस बीटर है, मैं बीटर दिखाता हूँ, आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बीटर हो गया जी, ये बीटर आपको एनी टाइम मेरे यहाँ अवेलेबल मिलेगा, जिस स्पीच का चाहिए एनी टाइम मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो लोकल कंपनी होती है वो कंपनियां, जैसे कि ये देखिए बैलेंसिंग बीटर होता है, क्या होता है बैलेंसिंग बीटर, ये बड़ी मशीन से बनती है। अच्छा। जैसे ये ढलैया कर लिए कोई भी, मान लीजिए लोहा का ही कर लिए, जिसका तो अच्छा, तो बराबर मान लीजिए लोहा तो इक्वल इक्वल नहीं किया, कहीं थोड़ा सा इधर ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट जब मोटर के साथ ही कनेक्टेड होगा तो इसका बैलेंस नहीं बैठता, तो इसीलिए देखिएगा इसमें हर एक जगह देखिए, जैसे आपको जाली का जरूरत होगा तो मैं तरह एनी टाइम मेरे यहाँ हर एक तरह का नंबर जाली आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे कपड़ा जिसी को घट गया तो हाथों हाथ, जैसे कपड़ा बहुत दिन में खराब हो जाता है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वालिटी का कपड़ा होता है। अच्छा। ये आपको मिल जाएगा। ब्रश हो गया, ब्रश मिल जाएगा। आगे का हम मान लीजिए ढक्कन हो गया, ढक्कन मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
देखना साथियों, ए से लेके जेड तक पूरा सामान मिल जाएगा। कभी कभी ये ढीला हो जाता है तो ये छोटे छोटे पार्ट्स आपको एनी टाइम मेरे यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। प्लस बीटर है, मैं बीटर दिखाता हूँ, आइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये बीटर हो गया, ये बीटर आपको एनी टाइम मेरे यहाँ अवेलेबल मिलेगा। जिस स्पीच का चाहिए एनी टाइम मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो लोकल कंपनी होती है वो कंपनियां, जैसे कि ये देखिए बैलेंसिंग बीटर होता है, क्या होता है बैलेंसिंग बीटर, ये बड़ी मशीन से बनती है। अच्छा। जैसे ये ढलैया कर लिए कोई भी, मान ली लोहा का ही कर लिए, जिसका तो अच्छा तो बराबर मान लीजिए, लोहा तो इक्वल इक्वल नहीं किया, कहीं थोड़ा सा इधर ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, बट जब मोटर के साथ ही कनेक्टेड होगा तो इसका बैलेंस नहीं बैठता। तो इसीलिए देखिएगा इसमें हर एक जगह बैलेंसिंग बीटर, मतलब कि कुछ लोहा निकाल लिया गया, जिससे कि अब जब ये रोटेट करेगा तो इक्वल में रोटेट करेगा और इसकी एफिशिएंसी 100% एक्यूरेट होगी। बहुत बढ़िया, देखना साथियों, देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देख सकते हो आप ये। और जितने भी लोग, मैं अपने व्यूअर से बोलना चाहता हूँ, यदि आप मशीन लेना चाहते हैं, प्लीज जो मैंने बताया है कहीं से लीजिए आप, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर आप जाइए मशीन खरीदने के लिए। इस टाइप का चिमबुक हमेशा लेके जाइए और चेक कर लीजिए कहीं पे भी, आपको देखिएगा कहीं स्टेनलेस स्टील का पूरा बीटर मिलता है कि नहीं। देखना साथियों, बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं कि ओरिजिनल है या लोकल है। आप कहीं भी जाते हैं उसको देखिए, चेक करिए, कैसे चेक करने का आइडिया, चुम्बक लेके जाइए और सटाइए इसको। सट जाए तो मान लीजिए लोहा है, नहीं सटा तो स्टील। कहीं से लीजिए, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि हम भी सबसे बेस्ट है, आप कहीं से लीजिए, छोटी छोटी बातें पे ध्यान रख के लीजिए। और मेरे आज हर पार्ट पुर्जा आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जब भी फोन कीजिएगा या फिर कंपनी को फोन कीजिएगा, हमें फोन कीजिएगा, आपको पार्ट्स अवेलेबल मिलेगा, ये बात कोई सोचता ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर। सर एक बार मेरे साथियों को डेमो दिखा दीजिए मशीन। हम अभी मशीन में डेमो दिखा देते हैं। बिल्कुल, आइए साथियों, चलिए देखते हैं। साथियों देखना, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि गेहूँ कैसे डाला जाता है और मशीन कैसे काम करता है और कितनी आसानी से काम करता है। सर ये मशीन इसमें डाल दे। हाँ डाल दीजिए इसमें, इस गेहूँ को। हाँ बहुत बढ़िया। और मैं बताता हूँ कैसे चालू करना है किसी बिल्कुल, को भी। बिल्कुल, ठीक है? आज मैं खुद जानना चाह रहा हूँ कि हमारे साथियों को कितनी दिक्कत होती है इसको चलाने में। ठीक है, देखिए। बहुत बढ़िया, अब बताइए सर आप गेहूँ डाल दिया। सबसे पहले इसके हॉपर क्या है, एक ओपन करने का ये है, यहाँ पे पैनल, इसको खोल दिए। अच्छा, ये पैनल खुल गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमेशा लोड को बंद रखना। अच्छा। याद रखिए, हमेशा बंद रखना, ये क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज रखे तरफ रखना है। ठीक है। अच्छा, जब मोटर चालू करेंगे तभी इसको धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे। अच्छा। और जैसे लोड बढ़ेगा वैसे यहाँ कांटा भी फ्लक्चुएट करेगा। अच्छा। मतलब ये ऊपर नीचे जाएगा, ये रेड लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो आपने मुझे अभी पहले वीडियो में बताया था। अब मैं मशीन चालू करने जा रहा हूँ, ठीक है, रेडी चल गया ये। हाँ, अब आप धीरे धीरे ये लोड बढ़ाइए, आप बढ़ाइए। अच्छा बढ़ाए हम, बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे दिखेंगे कैमरा, बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए बढ़ाइए, पूरा बढ़ा रहा है। हाँ बढ़ा दिया, अब देखिए लोड, देखिए ये जा रहा है, देख रहे साथियों, बहुत ये रेट के ऊपर नहीं होना चाहिए, रेट के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा रेड के ऊपर करके दिखाऊंगा कि क्या होता है, फिर कैसे कम करना। देखिए रोड जा रहा है, कम कर देना इसको, मशीन का आवाज भी बदल जाता है लोड बढ़ने पर। अच्छा, अब देखिए ये कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ये गेहूँ निकल रहा है। ठीक है। हाँ सर, इधर दिखाना चाहिए, आप यहाँ दिखाइएगा, गेहूँ अंदर जा रहा है, ये निकल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कोशिश किया हूँ आपको, एक ऐसी मशीन दिखा रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं करना है, आप घर पे ले जाइए और लगा दीजिए इसको। बहुत बढ़िया, और इसके लिए जगह की भी ज्यादा जरूरत है, बहुत कम जगह में इसको चलाया जा सकता है। साथ में एक बार और जानना चाहूंगा, आपका ये काम हो गया हो तो बंद कर दीजिए इसको, दो मिनट चलने दीजिए, दिखाएंगे आटा कैसा होता है। अच्छा, आटे का क्वालिटी कैसा है। बहुत बढ़िया, देखना साथियों, अब जब इसको बंद करना है सबसे मत, मोटर बंद करने से पहले इसको लोकल बंद करना है, पहले इसको बंद कर, तब मोटर बंद कर, तब ये एक मिनट और चलने देना है कि अंदर से पूरा माल बाहर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका स्विच एमसीबी को गिरा देना है। हम तो देख लिए, बहुत बढ़िया, आप दिखाइए, देखना साथियों, अब ये देखना साथियों, देखिए पूरा बहुत पतला गया, बहुत पतला, एकदम बहुत बढ़िया, क्वालिटी में कोई दिक्कत, क्वालिटी बहुत अच्छी। जो ये आटा एक बार खा लेगा, लिख लीजिए कॉपी कलम में, ये हम स्पष्ट बात बोल रहे हैं कि वो पत्थर वाला के यहाँ आटा दोबारा नहीं खाएगा। पत्थर चक्की का, पत्थर चक्की में चोकर आता है, लेडीज लोग परेशान हो जाती है, उसको फेंको, ये घर जाएंगे बस आटा गूंथना स्टार्ट,
चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, हर लोग के लिए प्रॉफिट है। सबसे अच्छी बात है साथियों, ये देख रहे होंगे आप, ये घर के बिजली से चलाया जा सकता है, इसके लिए कोई अलग से बिजली नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, बस जाइए घर में प्लग लगाइए चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों आप जहाँ रहते हो आप वहीं से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी डिमांड हर जगह है। आपको पता है कि इसका डिमांड, ये छोटी सी मशीन लगा के आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है साथियों कि मशीन एक है पर काम अनेक है, इससे मसाला भी पीसा जा सकता है। मसाला भी पीसा जा सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। मेरे साथियों को चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज बेल्ट पुल्ली वाले जो मशीन है उसे अवॉइड करिए, उसको बहिष्कार करें। और ये डायरेक्ट क्रैंक मॉडल किसी भी कंपनी का ले, लेकिन डायरेक्ट क्रैंक मॉडल ले, और जो मैंने छोटी छोटी बातें बताएं उसे देख कर ले। और मेरी कंपनी में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, छोटे पार्ट्स पुर्जा से लेकर हर एक चीज़ भी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।